वेलकम बैक टू ऑल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसे जैसे पेपर की डेट्स नज़दीक आ रही हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, पूरा का पूरा टाइम फोकस कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। बिकॉज जो ये जो लास्ट का 1 मंथ होता है, यही आपको डिसाइड करता है कि आपके परसेंटेज कैसे बनेंगे। आपने जितना भी पढ़ रखा है पूरे ईयर के अंदर, लास्ट में रिविज़न सबसे मेन होता है। जिसने रिविज़न नहीं किया उसने जितना भी पढ़ा है सब बेकार हो जाता है। तो उसी के बेस पर अब हम चलते हैं फिजिक्स के बाद। आता है केमिस्ट्री का नंबर। केमिस्ट्री में जिस तरह से फिजिक्स में आप लोगों ने देखा कि कैसे नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और जितनी भी नोट्स में जितनी भी टॉपिक्स होते हैं उन सबको रिवाइज किया, इसी पर आप लोगों केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर्स के, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दूसरा चैप्टर आता है कार्बाइड्स कंपाउंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ 15 सेकंड के आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। आफ्टर दैट हर चैप्टर से रिलेटेड आपको 20-20 एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको जितनी भी एमसीक्यूज की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने जा रहा है। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग सॉल्व करिए, चैप्टर टॉपिक वाइज रिवाइज करिए, और एमसीक्यूज में जो जो प्रॉब्लम आ रही है या आप जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सॉल्व कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए और जाइए सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लर्निंग एजुकेशन फॉर यू को और करे अपने JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Make you said it.